तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्करर रैंक पुश गेम प्ले वीडियो। तो यार गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब लोग मज़े में होंगे और सभी लोग रैंक पुश कर रहे होंगे। गाइस, अभी आप लोग का रैंक एंड टायर अभी क्या चल रहा है ना, मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और अभी मेरा यहाँ पे क्राउन टू एटलीस्ट इस गेम के बाद लग चुका है फाइनली। तो और क्राउन टू के साथ में अपन आज रात की स्ट्रीम में यहाँ पे एस भी यहाँ पे लगा देंगे, और कल को सुबह को अपन को 5:30 बजे कॉन्कर मिल भी जाएगा। और रात को एस वाली स्ट्रीम देखने अगर आप लोग आओगे ना रात को, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रात को 8 बजे से आज स्ट्रीम करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप सभी लोग यहाँ पे आज रात की स्ट्रीम को ज्वाइन करने वाले हो। तो यार अभी बात कर लेते हैं इस गेम प्ले के बारे में। उतर चुके थे अपन इस वाले हॉट ड्रॉप में, जो कि आजकल ये विलेज में काफ़ी ज़्यादा हॉट ड्रॉप हो रहा है ना, और यहाँ पे यार सर्वाइव करना भी काफ़ी टफ होता है क्योंकि इतने बंदे आते हैं यहाँ पे। अभी उतरने के साथ में एक बंदा यहाँ पे व्हीकल लेके यहाँ पे निकल चुका था, और जैसे ये निकलता है ना उसके बाद एक बंदा मुझे ऊपर की तरफ शॉट देता है, जिसको मैं यहाँ पे फिनिश कर लेता हूँ। और उसके बाद ऊपर आता हूँ तो एक और बॉट मुझे मिल जाता है, जिसके बाद मेरे 2 किल तो यहाँ पे हो चुके थे। और उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे मुझ पर एक बंदा यहाँ पे नीचे से पुश कर रहा होता है, जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर इससे टीपी भी लूँ। लेकिन क्या होता है ना, मैं थोड़ा आगे जाके एक बार एफ पी करने का ट्राई करता हूँ, इतने में यहाँ पे थोड़ा लेट कर लेता हूँ, जिस वजह से बंदा नीचे से अपन को ईजिली टेक डाउन कर लेता है। इसको मारने के साथ में अभी इस बंदे से यहाँ पे रिवेंज लेने का तो बनता था, तो देखो अभी इस बंदे से रिवेंज भी लेने वाले हैं किस तरीके से अपन। तो अभी मैं यहाँ पे रिकॉल होकर आ जाता हूँ और उतर जाते हैं अपने वाले ड्रॉप लोकेशन में, जो कि अपना हर्षियन का ड्रॉप लोकेशन रहता है। तो यार अभी सीन क्या है ना, आजकल रैंक पुश में हो क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैकर्स यहाँ पे लॉबी में आ रहे हैं। और हैकर यार देखो, वैसे हर्षियन तो आती हैं स्टार्टिंग में, और 2-4 दिन के बाद बैन खाना भी चालू कर लेते हैं। आई थिंक यार 1-2 दिन में आजकल के बाद से हैकर यहाँ पे बैन खाना चालू कर देंगे, जिसके बाद से आप लोग यहाँ पे रैंक पुश आराम से कर सकते हो। लेकिन यार नुकसान ये होता है ना कि वो लोग यहाँ पे टॉप टॉप पे बैठ जाते हैं, जिस वजह से यार लोगों को जो को कॉन्कर करना है ना, उन लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। अभी देखो आज के दिन में यहाँ पे एटलीस्ट एस पे तो कॉन्कर रहने वाला है आज और कल के दिन में। उसके बाद से लगता है मुझे कि 20-25 पॉइंट ऊपर कॉन्कर रहना शुरू हो जाएगा डेली के हिसाब से। तो आप लोग ट्राई करो कि आज या कल के अंदर एस लगा दो, तभी आप लोग का ईजिली यहाँ पे कॉन्कर हो पाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है ना, एकदम यहाँ पे पहला सर्कल यहाँ पे हॉट ड्रॉप पर उतर के जितना किल सर्कल हो सके निकालने हैं, और किल निकालने के बाद में अगर आप यहाँ से टेक डाउन हो जाते हो ना, तो उसके बाद आप लोग को चलाना है एकदम आउट ऑफ जोन लूट करने के लिए, क्योंकि यार आउट ऑफ जोन यहाँ पे हैकर कम ही आते हैं। क्योंकि देखो सीन क्या है, कभी भी यहाँ पे फ्लैश हैकर या कोई भी हैकर आके यहाँ पे टेक डाउन कर रहा है आजकल के, तो आपको क्या करना है कि लूट करना है बेसिक सी, और यहाँ पे चले जाना है आउट ऑफ जोन यहाँ पे लूट करने के लिए। हीलिंग बैंडेज वगैरह उठाने हैं, वहीं हील करना है, और 4th सर्कल में यहाँ पे एंट्री लेनी है सीधे। गैस आपने कुछ नोटिस किया, इस बंदे का नाम देखो एक बार, और ये बंदा वही था जिसने अपन को यहाँ पे हॉट ड्रॉप में यहाँ पे डीपी के स्प्रे के साथ में टेक डाउन किया था। तो यार इस बंदे के साथ में रिवेंज कंप्लीट कर लिया था, और रिवेंज कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे जैसे जोन आई की तरफ शिफ्ट होता है ना, सीधे चले जाता हूँ ये वाले कंपाउंड में, क्योंकि ये वाला कंपाउंड अभी के लिए यहाँ पे जोन पे था। और मैं यहाँ पे 1 या 2 सर्कल यहाँ पे इसके बाद होल्ड करता हूँ, जैसे जोन आई की तरफ शिफ्ट होता है ना, मैं सीधे यहाँ से निकलने का ट्राई कर ही जाता हूँ, कि मैं सोचता हूँ क्यों ना पहले पीछे की तरफ में ड्रॉप गिरा था उससे यहाँ पे जाके लूट कर ली जाए। तो जैसे मैं ड्रॉप लूटने जा रहा होता हूँ पीछे को, तो उतने में यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है ड्रॉप पे। तो यार ये बंदा यहाँ पे क्यों मेरा, आप लोगों को पता है, क्योंकि इस बंदी का व्हीकल नहीं थी। तो सोलो कौन का लॉबी, अगर आप लोग का व्हीकल नहीं ना तो किसी भी काम की नहीं है। तो गाइस आप लोग में जब भी खेलते हो ना, तो एक व्हीकल आपके साथ जरूर से रखा करो। अभी के लिए मैं इस बंदे से यहाँ पे MG3 उठा के आयाता हूँ, और वापस से इस वाले कंपाउंड में होल्ड करता हूँ, ताकि जब तक का जोन आ जाए, जैसे ही जोन आएगा तो उसके बाद आगे की तरह अपन रोटेशन मारने वाले थे। तो यार गाइस कैसा लगा ये वाला स्प्रे, एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। देखो होता क्या है ना, जैसे मैं उस बंदे से लूट के यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में होल्ड करने आया होता हूँ ना, तो इतने पीछे से मुझे कैप्सूल का साउंड आता है कि कोई बंदा यहाँ पे रोटेशन ले रहा है कैप्सूल से। तो जैसे ये बंदा थोड़ा आगे आता है ना, इस बंदे को यहाँ पे गाड़ी से उतार दिया था, और उतारने के साथ में जोन जैसे आगे तक शिफ्ट होता है ना, तो जोन के अंदर से होते मैं यहाँ पे सामने वाले कंपाउंड की तरफ आके रुक जाता हूँ, क्योंकि यार लेफ्ट साइड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ पे एक दूसरे फाइट कर रहे थे। लेकिन मैं यहाँ से स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, तो मुझे कोई भी स्पॉट नहीं होता है। उसके बाद जैसे जोन वापस आगे तरफ शिफ्ट होता है ना, तो यार देखो काफ़ी ज़्यादा बंदे लाए, तो मैं कहता हूँ ना जोन के एजेस पे यहाँ पे खेलना प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटर जाते ही ना यहाँ पे हैकर यहाँ पे टेक डाउन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में जैसे अभी के लिए यहाँ पे एक बंदा और आके यहाँ पे रुक चुका था, पहले मैं इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, उसके बाद ट्राई करता हूँ एक ग्रेनेड करके इसको टेक डाउन करूँ। जैसे ग्रेनेड फेंकता हूँ ना, वो बंदा यहाँ पे अंदर वाले कमरे में जाके रुक चुका था। लेकिन यार इस बंदे को यहाँ पे क्या होता है पता नहीं, ये बंदा यहाँ से पीछे की तरफ कूदता है, इतने में उसे लेफ्ट साइड से एक बंदा यहाँ पे फायर देकर डैमेज करने का ट्राई करता है, साथ ही ये बंदा इसको डैमेज भी देता है, जिस वजह से यार मेरे को पता लग चुका था कि ये बंदा डैमेज है। वो इस बंदे बाई थे अभी पुश करने की,
तो बंदे ने यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप किया ही था कि इस बंदे पे मैं पुश मार के इसको फिनिश कर लेता हूँ। अभी इसके बाद में क्या था, जैसे मैं इस बंदे से यहाँ पे M4 उठा रहा था ना, यहाँ पे एक और रोटेशन आती है। अभी आप लोग सोचोगे मैंने M4 छोड़ के स्कारल क्यों उठाई, क्योंकि सीन क्या ना, देखो अभी मेरी M4 अगर मैं उठाता ना तो मेरा सिक्स यहाँ पे 3x करना पड़ता, उसके बाद ही मैं स्प्रे मार पाता। अभी यार इतने मेरे सामने से बगी की रोटेशन जाती है जिसको मैं हेड चिपकाता हूँ और वो सामने की तरफ रुक जाता है। वो रुकता है इसलिए क्योंकि ऊपर साइड से बंदे उसको यहाँ पे डैमेज दे रहे थे, जिस वजह से वो मेरे साइड में जैसे कवर पे आता है ना, तो मैं इसको यहाँ पे टेक डाउन कर लेता हूँ। इसको फिनिश करने के साथ में अपने यहाँ पे 8 किल भी हो चुके थे। अभी इसके बाद ना यार अपने साथ यहाँ पे बहुत गलत लेवल पर सीन होने वाला है। तो देखो आप लोग को भी ऐसे ही कभी भी यहाँ पे ओपन पे फायर करने के लिए नहीं रुकना है, इस वीडियो से हमें यही चीज़ मिलती है। तो चलो गाइस इस गेम में अपन को फाइनली यहाँ पे 24 का प्लस मिल भी चुका था और इसी गेम में अपना यहाँ पे क्राउन 2 भी लग चुका है। और आज की स्ट्रीम पे अपन एज भी लगा लेंगे, तो आप मेक श्योर स्ट्रीम पे आ रहे हो। तो चलो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।